अमरोहा ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपक मिश्रा द्वारा कलेक्ट परिसर से विकसित भारत संकल्प यात्रा जागरूकता एलईडी वीडियो वाइन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपक मिश्रा ने अपने संबोधन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित किया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपक मिश्रा ने अपने संबोधन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो गया है, जो कि अनवरत रूप से 26 जनवरी तक चलेगी। कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें, यही इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है, लक्ष्य है। निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी गंभीरता के साथ विकसित भारत के इस संकल्प यात्रा में अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करें, प्राथमिकता से लेते हुए कार्य करें, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से कोई भी वंचित न रहे, ये प्राथमिकता हो। इसमें कुल 17 योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसमें भारत सरकार की योजनाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व सुरेंद्र सिंह, परियोजना निदेशक अमरेंद्र प्रताप, जिला विकास अधिकारी उपनिदेशक, कृषि जिला पूर्ति अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी से ऋषिपाल नागर, जिला महामंत्री पूरन सिंह सैनी, राकेश वर्मा, हरज्ञान प्रजापति सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट।